हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, बजे हैं 7 और दिल्ली में जो है शाम के 7 बजे इतनी तेज़ बारिश आई है कि हद से ज़्यादा क्या ही बताऊँ। बहुत तेज़ इतना तूफान बारिश, और अभी बाहर जो है बहुत ज़्यादा बादल जो है आया हुआ है और अंधेरा जो है हो चुका है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। तो अभी मेरे हस्बैंड ड्यूटी से नहीं आए ऑफिस से, और आज वो इत्तेफाक से एक्टिवा लेकर गए हैं। तो अब देखते हैं कि बारिश यहाँ पे ना दिल्ली में सबसे बड़ी पता है क्या बात होती है कि इस हिस्से में बारिश हो रही है, उधर नहीं हो रही है। सिवैयाँ बना रहे हैं इनको, तो बस सिवैयाँ ही पसंद है दोनों को। तो देखते हैं अगर भीगते हैं क्या करते हैं जब आते हैं मेरे हस्बैंड, तो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस, बच्चे जिद कर रहे थे कि कुछ खाना है कुछ खाना है। तो मतलब उनके इडली जो है, इडली का स्वाद जो है उनके मतलब बस चुका है उनके मन में अब तो। लेकिन मैंने आज थोड़ा स्पेशल बनाया, मैंने बनाया बेसन की इडली टाइप में, नमक मिर्च वाली, मतलब सब इसमें स्वाद है। तो ये पकौड़ी की तरह जैसे होती है ना, प्लेन पकौड़ी होती है बेसन की, तो इस तरह से बनाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ऑयली मैंने की है, कोई ऑयली में इनको फ्राई नहीं किया, और ये देखिए अच्छे से पक चुकी है बहुत अच्छे से। बाकी मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ कि स्पंजी है या नहीं है। तो देखो गाइस, ये बेसन के बन गए हैं और खाने में मतलब कच्चे नहीं लग रहे हैं, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। वैसे तो मैं इनको मीठे बनाती थी, लेकिन आज जो है मैंने नमक वाले बनाए हैं और ये स्पंजी है। गाइस, कल मैंने साग बनाया था तो इतना खाते नहीं है, थोड़ा जितना खाया गया वो खाया गया, बाकी रखा है। तो अब मैं उसको जो है आटे में गूंथ के इनको परांठे बना के दूंगी या रोटी बना के दूंगी। परांठे कल भी हमने मिसी रोटी खाई थी, तो वो भी मतलब घी में ही थी बिल्कुल। तो आज मतलब इनको रोटी बना के देती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए नॉर्मल आटा है, कुछ नहीं है, और जो ये साग है ये इसमें मैं मिक्स करके और एक अच्छा सा आटा जो है गूंद लूँगी। इसमें पानी मैं नहीं डालूंगी और टाइट ही गूंदना है, क्योंकि ये पानी छोड़ेगा, हमें टाइट ही थोड़ा गूंदना है। जैसे जैसे रखा रहेगा ये थोड़ा थोड़ा जैसे मतलब पतला होता जाएगा, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसको टाइट रखना है। तो मैं आपको इसकी रोटी दिखाती हूँ कि रोटी कैसे बनेगी इसकी। तो गाइस देखिए, ये जो है आटा गूंद के तैयार हो चुका है। इसको मतलब गूंदे हुए मुझे भी 1-2 मिनट ही हुआ है, लेकिन ये फिर भी पतला हो गया है। देखिए मतलब धीरे धीरे पानी जो है छोड़ता है इसकी, फटाफट मैं मतलब रोटी बनाने लगती हूँ। लेकिन तभी मेरे हस्बैंड आ गए हैं, और मैंने सोचा कि तभी अब मतलब बना के देखूँ। तो मैंने पूछा उनसे कि बारिश हुई, कि कह रहे नहीं, सिर्फ इधर ही सेक्टर में बारिश हुई और कहीं रस्ते में बारिश नहीं हुई। तो पीहू जो है पीछे पीछे रहती है अपने पापा के, तो अब मतलब मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। वो मतलब मुझे सुना रही थी एसएनआर, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को एसएनआर तो आते ही नहीं है, तो सबको ही पता है बड़ी मुश्किल से सीखते हैं वो बच्चे। तो फिर भी किसी तरीके से इसने मुझे सिखाया, मतलब सुना दिए। तो उसके बाद मैं जो रोटी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया, 8 बज चुके हैं, 8:15 हो गए हैं, लेकिन बहुत तेज़ बारिश भी बाहर हो रही है। और ये देखिए मेरी रोटी जो है बन के रेडी हो गई है। तो गाइस, होपफुली आपको आज का छोटा सा व्लॉग जो है पसंद आया होगा, मौज मस्ती भरा वाला, बच्चों के साथ में कैसे टाइम जो है स्पेंड होता है। वैसे तो दोनों परेशान करते हैं, मतलब दोनों जो है आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन मतलब फिर भी यह है कि इनके साथ में यह है कि टाइम पास हो जाता है अपना, और कुछ नहीं। बाकी काम तो देखो रहता ही है ज़िंदगी में, उससे क्या वो करना, लेकिन यह इनके साथ में मतलब अच्छा सा टाइम जो है, मतलब इनके साथ ये स्कूल चले जाते हैं तो फिर मतलब मुझे काम भी नहीं मिलता, काम किया घर का उसके बाद मैं खाली। लेकिन ये रहते हैं ना, तो बच्चे मतलब पूरा दिन कुछ ना कुछ, कभी ये खाना है कभी वो खाना है। तो गाइस, ब्लॉग का करते हैं एंड। बाय बाय।